विदेशी फिल्मों से प्रेरित फिल्मकार संजय गुप्ता की ताजा फिल्म जज्बा दक्षिण कोरियाई फिल्म सेवन डेज का हिंदी रीमेक है। जैसा कि आमतौर पर संजय गुप्ता की फिल्मों में होता है, कंटेंट पर तकनीक हावी हो जाती है और यही कहानी जज्बा में भी दोहराई गई है। तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं। What? कहानी है एक वकील अनुराधा वर्मा की, जो एक बच्ची की माँ भी है। तेज तर्रार वकील अनुराधा की बेटी का अपहरण हो जाता है। बदले में उसे एक अपराधी को बचाने के लिए कहा जाता है, जिसने एक लड़की का बलात्कार कर हत्या कर दी है। अनुराधा के पास बहुत कम समय है, उसके हर कदम पर अपहरणकर्ता की नजर है। यहाँ से फिल्म दो ट्रैक पर चलती है। एक तो अनुराधा को केस में ट्विस्ट देकर ऐसे अपराधी को बचाना है जिसे फांसी होने वाली है, और दूसरी ओर अपनी बेटी को भी तलाश करना है। वो सब जानता है योहान। सस्पेंड इंस्पेक्टर और अनुराधा का दोस्त योहान अनुराधा की मदद करता है। दोनों मोर्चे पर अनुराधा योहान काम करते हैं और उनकी लड़ाई समय के खिलाफ भी है, जो तेजी से बीत रहा है। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। कुछ फिल्म अपनी धीमी गति के कारण उबाऊ हो जाती है, तो कुछ की गति इतनी तेज होती है कि दर्शकों को तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है। जज्बा में निर्देशक संजय गुप्ता ने कहानी को इतना तेज भगाया है कि फिल्म का मजा लेने का आनंद जाता रहा है। फिल्म कभी भी दर्शकों को अपने से जोड़ नहीं पाती, और यह फिल्म का सबसे बड़ा दोष है। तेरी अम्मा ने जिसके बारे में नहीं बताया, मैं तेरा वो बाप हूँ। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार संजय गुप्ता का निर्देशन है। वे फिल्म में इमोशन पैदा करने में नाकाम रहे। ऐश्वर्या के दर्द को दर्शक कभी महसूस नहीं करते, न ही संजय अपने प्रस्तुतिकरण में ऐसा थ्रिल पैदा कर सके कि दर्शक बेचैन हो जाए। उनका प्रस्तुतिकरण बनावटी और सतही लगता है। शॉर्ट फिल्माने की कला वे बखूबी जानते हैं, लेकिन केवल स्टाइलिश लुक के कारण ही फिल्म बेहतर नहीं बन जाती। फिल्म के क्लाइमेक्स में दर्शकों को चौंकाने की कोशिश की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। अनुराधा का अपने परिवार के खिलाफ जाकर बेटी पैदा करने का फैसला, और फिल्म के अंत में बलात्कार के आंकड़े दिखाकर फिल्म को महिला समर्थक दिखाने की कोशिश थोपी हुई लगती है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 5 वर्ष बाद वापसी की है। वे सुंदर हैं, फिट हैं, और अपने कैरेक्टर को जरूरी एटीट्यूड के साथ उन्होंने पेश किया है, लेकिन उनका अभिनय बनावटी लगा है। काला चश्मा चढ़ाए और स्टाइलिश ड्रेसेस पहने इरफान असहज लगे हैं, खासकर उस दृश्य में जब उन्हें पता चलता है कि ऐश्वर्या की बेटी का अपहरण हो गया है और वे अपना गुस्सा निर्जीव चीजों पर निकालते हैं। शबाना आजमी और अतुल कुलकर्णी प्रभावी रहे हैं। संजय गुप्ता अपनी फिल्मों को एक खास कलर में फिल्माते हैं। मुसाफिर में ब्राउन कलर का जोर था, तो जिंदा में ग्रे का। यहाँ ग्रीन कलर का जमकर प्रयोग हुआ है, लेकिन फिल्म रंगहीन रही है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।